Hello and welcome to Ignited Minds. Today in this lecture of the Hindu newspaper analysis on 29th of July 2024, we will be going through a lot of news articles which popped up in today's Hindu newspaper. The first one talks about the Olympics, in which we have seen a good performance by Miss Manu and she got her first bronze. So we'll see what it counts for India and how we can use it for our exams. Next, there is a saddened news which has deeply sent a shivering message through the spine of all the aspirants in Delhi and all around Delhi, that the death of three IAS aspirants, ठीक है, तीन students की death basement में हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा shivering था, बहुत ही ज़्यादा दुखद बात थी ये. और we all do, I know, rightly send our condolences to their parents and to their families, and we all do actually want ki unki atma ko shanti mile. Next editorial and next news article for us is about critical minerals. Isme hum ye dekhenge kitne critical minerals ke blocks hai hamare paas abhi, jinki allocation chal rahi hai Jammu and Kashmir mein aur Jharkhand mein aur तमिलनाडु में, प्लस अमरनाथ यात्रा के कुछ बेसिक फैक्ट्स, ठीक है, कहाँ से निकलती है, क्या होता है. बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन विल बी देयर, देयर इज़ अ केस स्टडी विच वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनलिज्म, ठीक है. प्लस देयर इज़ वन मोर आर्टिकल अबाउट रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन पे इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट कहाँ से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स क्या है, जजमेंट्स क्या क्या आ गए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. इसके बाद साउथ अफ्रीका एक लॉ आया हुआ है अभी क्लाइमेट चेंज को लेके, और उस लॉ पे हम देखेंगे कि उसका डिफरेंस इंडिया और साउथ अफ्रीका का आपस में कितना ज़्यादा है. हाउ मच इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट डू वी एक्चुअली नीड अ लॉ सिमिलर टू साउथ अफ्रीकाज लॉ बेस्ड ऑन द कॉम्प्रहेंसिव क्लाइमेट गवर्नेंस. Because in India we do not have a law at the national level and policy at the national level which comprehensively deals with the ifs and buts of climate change. Lastly, there are two articles. One is from Tech, which talks about caller ID spoofing. हम देखेंगे spoofing होती क्या है, caller ID spoofing करते कैसे हैं, और इससे अभी कितने ज़्यादा आपको भी calls आए होंगे +666 number से, +19 ऐसे नंबर से कॉल्स आते होंगे आपको, और ये भी आता होगा व्हाट्सएप के फॉरवर्ड कि अगर ये कॉल उठा दिया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हाँ, हार्ट अटैक आ सकता है कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, उसके बाद हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज साइट्स, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट अगरवुड, दी एक्सपोर्ट्स ऑफ अगरवुड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. यू विल ऑल्सो सी कि अगरवुड बनता कैसे, इसमें इन्फेस्टेशन कैसे होती है, आर्टिफिशियल इन्फेस्टेशन कैसे हो सकती है, और नेचुरल इन्फेस्टेशन कैसे होती है, और उसके बाद इसका रेजिन बनता है एंड देन दैट रेजिन इज बीइंग सोल्ड फॉर दी परफ्यूम्स एंड ऑल. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद यूपीएससी प्रीलिम्स. दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन यूपीएससी 2024 पेपर, और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि आपको समझना है दैट यूजुअली जो हम समझते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स कि यार ये तो कहाँ ही पूछेगा, बट हाँ, देर हैज़ बीन हिस्ट्री कि यूपीएससी बुक्स के ऑथर्स पूछता है, ठीक है. ये हिस्ट्री ने साबित किया है बहुत बार, ऐसा हुआ है बहुत बार कि यूपीएससी ने बुक्स के ऑथर्स पूछे, एंड दीज टू बुक्स वेयर सिग्निफिकेंटली डिस्कस्ड इन न्यूज़ आर्टिकल्स. और इसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया था तो इंडियन एक्सप्रेस ने ही किया था इस बुक को, इन दोनों बुक्स को, ठीक है. तो इंडियन एक्सप्रेस के जो यूट्यूब पे वीडियोज़ आते हैं उसमें भी था ये, और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ डिस्कशन वीडियोज़ आते थे, पॉडकास्ट, एक दो पॉडकास्ट में जयशंकर ने ये बोला था, और उसके साथ साथ कुछ आर्टिकल्स में भी जो सी राजा मोहन ने लिखे थे उनमें भी ये बुक्स को डिस्कस किया गया था, दोनों बुक्स, ठीक है. यहाँ पे स्निपेट्स है अगर आप देखो तो, ये ऑलरेडी जनवरी, अक्टूबर एंड फरवरी की न्यूज़ है, जबकि एग्ज़ाम हमारा जून में हुआ था. तो ठीक है, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट इफ समथिंग लाइक दिस इज इन न्यूज़ कंटिन्यूसली, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, कुछ तो है मैटर जिसको हमें याद रखना है. ऑल द दीज बुक्स ऑलमोस्ट लाइक
majority of the UPSC aspirants know about these two books, because ठीक है काफ़ी ज़्यादा popularity हो गई थी इन books की, but अगर किसी को नहीं पता तो उसको ये समझना होगा कि मैं इन sources को भी cover करना है, otherwise फिर exam में दो number छूट जाएगा, और वो दो number नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही दो number करते करते हमारा selection हो जाता है, otherwise दो number से ही रह जाता है. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टॉक्स अबाउट ओलंपिक्स एंड दी मनुज हिस्टोरिक ब्रोंज एंड शी हैज़ गॉट हर फर्स्ट ब्रोंज एंड वी गॉट इट यस्टरडे. दिस इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर टू बी ऑन द ओलंपिक पोडियम एज शी हैज़ विन मेडल इन 10 AM एयर पिस्टल इवेंट. बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है. इसकी बायोग्राफी नहीं जाननी है कि ये कहाँ से आती है, क्या काम करती है, उतना नहीं याद रखना है हमें ओलंपिक्स को लेके. एक एक करके हम ये पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे. मैं चाहूँगा कि आप एक पेज डेडिकेट करो अपने लिए, अपने पास ओलंपिक्स को लेके. एक A4 शीट ले लो, उस पर ओलंपिक्स लिख दो, और जितनी भी न्यूज़ आएंगी हमारे आर्टिकल्स में, हमारे न्यूज़पेपर में, चाहे वो इससे आएंगी कि इंडिया का पार्टिसिपेशन कम क्यों है जबकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या वो इससे आएंगी कि इंडिया का GDP बहुत ज़्यादा है और इंडिया का पॉपुलेशन तब भी कम है, स्पोर्ट्स को लेके GDP का एलोकेशन बहुत कम है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें जितने भी न्यूज़ आएंगी ओलंपिक से रिलेटेड, हम क्या करेंगे, हम इसी एक पेज पे या दो पेजेस पे ये सारी न्यूज़ को लिखते चले जाएंगे बस, और इसको साइड में रखना है. और लास्ट में आप देखोगे कि पिछले 3-4 साल से UPSC कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स पे एक क्वेश्चन पूछता है जब कोई मेजर इवेंट होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल दिस आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, बेसिकली ओल्ड राजेंद्र नगर the hub of UPSC aspirants, majorly for English medium and less for Hindi medium, but yes, there is a lot of population of us, of our community in this region. So, hua kya basically due to some administrative glitches, theek hai, kyunki basements mein yahan pe library chal rahi thi aur uski wajah se hua kya yahan pe ki basement mein jo library chal rahi thi wahan pe pani chala gaya aur us पानी का बहाव इतना ज़्यादा था या वो पानी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में था कि जो बच्चे थे अंदर दे ड्राउन टू डेथ. यहाँ पे 3 बच्चे बताए जा रहे हैं अभी तक, कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि 4 बच्चे हैं, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं नहीं 3 हैं. स्टिल देर इज़ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन बाय ऑल ऑफ आर कम्युनिटी मेंबर्स, जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी के मेंबर्स हैं. वी ऑल डू सेंड आर कॉन्डोलेंसेस टू देम. There are administrative glitches which have been highlighted over here. As Mayor Shelley Oberoi, she also went to this place and she said that Rao's IAS study circle had been running this library in the basement in violation of the law. Okay. Now, the broader thing for us to discuss is that what is basically the matter with regard to urban flooding and अर्बन ड्रेनेज प्रॉब्लम्स. बेसिकली अगर हम देखें तो इट्स नॉट ओनली दिल्ली बट हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता विच इज विटनेसिंग दीज काइंड ऑफ अर्बन फ्लड्स एंड दिस इज अ न्यू एज मेनेस नाउ स्प्रॉलिंग अप इन आर डिफरेंट रीजन्स. मोस्टली वन इज ड्यू टू द लैक ऑफ ड्रेनेज एंड अनदर इज ड्यू टू द सडन चेंजेस इन दी क्लाइमेट. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया, बट येस देर विल बी एन इनडेप्थ डिस्कशन ऑन अर्बन फ्लड्स एंड अर्बन वी कैन से ड्रेनेज एंड अर्बनाइजेशन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया. इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, बट येस कल के पेपर में देर विल बी एन आर्टिकल, आई होप सो. ठीक है, तो कल के पेपर में जो एडिटोरियल आएगा अबाउट अर्बनाइजेशन, उस एडिटोरियल पर हम ये डिस्कस कर लेंगे पूरा. नहीं भी आया तब भी आपके इस PPT में एक एडिटोरियल में डाल दूंगा, ये 2-3 slides डाल दूंगा जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कल. नेक्स्ट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स एंड इट सेज देर आर 3 ब्लॉक्स. आपके पेपर में आप अपने नोट्स में ये तीनों के तीनों ब्लॉक्स को लिख लो. पहला ब्लॉक है हाइमना लिथियम टाइटेनियम एंड बॉक्साइड ब्लॉक जो कि जम्मू कश्मीर में है. दूसरा है मुस्कानिया गैरीरियोता गैरीरिया टोला बरवारी पोटाश ब्लॉक जो कि झारखंड में है, एंड कुरुंजकोलम ग्रेफाइट ब्लॉक
जो कि तमिलनाडु में है। तीनों लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, तीनों क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। दो साल कंटिन्यूअसली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। टेंटलम पे एक क्वेश्चन आ गया था और उसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, स्ट्रॉन्टियम पे भी क्वेश्चन आया था। तो व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट आर दीज क्रिटिकल मिनरल्स फॉर दिस इकोनॉमी, हमें ये थोड़ा बहुत समझना है और कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं। अगर आप देखो, इंडिया इज करेंटली इम्पोर्टिंग 100% ऑफ इट्स यूजेज फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है हम इस चीज़ को लेके। जबकि अगर हम देखें इसके यूजेज, तो लिथियम हमारा बैटरीज में यूज़ होता है, कोबाल्ट बैटरीज में यूज़ होता है, निकल, रिचार्जेबल बैटरी, सुपर अलॉय, स्टेनलेस स्टील, वेनेडियम, नोबियम, जर्मेनियम, है ना, ये सारे, बेरिलियम, टेंटलम, स्ट्रॉन्टियम, ये सारे ऐसे मिनरल्स है जिनकी नीड अभी न्यू एज टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा है। सो नाउ द इशू हियर इज नेक्स्ट, कि हमें कुछ मिनरल्स जो है उनको याद रखना है। जैसे देर आर 5 सच मिनरल्स जो हमें याद रखने हैं, इनमें हम 100% इंपोर्ट नहीं करते हैं। वन इज जर्कोनियम, ग्रेफाइट, मैंगनीज, क्रोमियम एंड सिलिकॉन। हेयर आर इंपोर्ट्स आर वेरी लेस, जिर्कोनियम के इंपोर्ट्स 80% के हैं, रेस्ट दे आर लेस देन 60%। इवन क्रोमियम के इंपोर्ट्स 2.5% एंड सिलिकॉन के इंपोर्ट्स ओनली 1% सिलिकॉन विच इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, मलेशिया एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया क्रिटिकल मिनरल्स एंड देयर इंपोर्ट्स। Now the next important article talks about the अमरनाथ यात्रा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जो आपको याद रखनी है। वन इज दिस लिदर वैली, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट दिस गशेज ऑफ लिदर वैली और लिदर रिवर। रिमेंबर दिस लिदर और दिस लिदर रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये जहलम की ट्रिब्यूटरी है। जहलम इन टर्न हमें पता है इंडस का ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है पहलगाम वैली की, तो पहलगाम वैली कहाँ पे? साउथ कश्मीर में है और यहाँ से निकलती है ये मेन ट्रिब्यूटरी जो कि जहलम को मिलती है आगे जाके। और ये ट्रिब्यूटरी निकलती कहाँ से है? ये कालाहोई ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ से निकल के ये फिर लास्ट में जाके किससे मिलती है? अपने इस जहलम से मिलती है। अब माइनर डिस्कशन अबाउट इंडस रिवर सिस्टम, बुखारशो ग्लेशियर से ये निकलता है, उसके बाद ये लेह को क्रॉस करता है, लेह में इसको जंस्कार मिलती है, उसके बाद सुरू रिवर मिलता है ऑन द लेफ्ट बैंक। राइट बैंक अगर आप देखो तो शियोक रिवर निकल इसको मिलता है, पहली ट्रिब्यूटरी जो कि सियाचिन से निकलती है, उसके बाद गिलगित से, गिलगित रिवर इसको नॉर्थ वेस्ट से मिलता है ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे ही इसको स्वात, कुनार और काबुल, तीन ट्रिब्यूटरीज मिलके इंडस में मिल जाती है। खुर्रम, तोची, गोमल एंड जोब, ये और चार ट्रिब्यूटरीज हैं जो जाके इंडस में मिलती है। अब इंडस आगे जाता है और सबसे पहले यहाँ पे चार रिवर्स को याद रखना है जो कि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। यहाँ पे एक क्रिटिकल एलिमेंट है जो समझना है कि कौन सा रिवर किस में जाके मिलता है। जैसे झेलम रिवर जो है ये चनाब में जाके मिलता है, ठीक है, और उसके बाद ये चनाब आगे जाके रावी में मिलता है और रावी आगे जाके सतलज में मिलता है। दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क बाई यूपीएससी दैट विच टू रिवर्स आर बिगर रिवर्स एंड दे फॉर्म टुगेदर एंड देन दे मर्ज इन टू द थर्ड रिवर विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ दीज ऑल द 5 रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, 6 रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो कौन से दो ऐसे हैं जो मिलते हैं उसके बाद वो एक बनाते हैं और उसके बाद वो जाके इंडस में गिरता है? अंडरस्टैंड, इट वॉज बेसिकली दिस रावी एंड सतलज। लास्ट में जो रिवर गिरता है वो सतलज है, बाकी सारे रिवर सतलज के अंदर गिरते हैं और सतलज जाके फिर इंडस से मिलता है। तो जहलम कहाँ पे है? जहलम इज द नॉर्दर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी जो सबसे पहले निकलती है कश्मीर में और ये वेरीनाग से होके निकलती है। ऑलरेडी यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है जहलम पे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक हो गया जहलम की बात, अब आते हैं अमरनाथ पे। अमरनाथ अभी भी जो यात्रा हमारे यात्री जाते हैं यहाँ पे, ये यात्रा अभी भी पैदल ही होती है
कुछ यहाँ पे जो केस स्टडी दी हुई है आज के पेपर में, इट टॉक्स अबाउट दोज हु आर हेयर, जो यहाँ पे हॉर्सेस को लेके, हॉर्सेस पे बिठा के इन लोगों को, यात्रियों को अपने जहाँ से यहाँ का ट्रैक स्टार्ट होता है, तो दो जगह है यहाँ पे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है. वन इज जो हमने पहलगाम वैली देखा, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है. दूसरा देर इज नीलगढ़ या नीलग्रत, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है. तो दो रास्ते हैं जहाँ से अमरनाथ यात्रा का ट्रैक स्टार्ट होता है. ये ट्रैक जाता है और यहीं पे ये हॉर्सेस हैं. मेजरली यहाँ पे जो ये हॉर्स राइडर्स होते हैं, जिनके ये हॉर्सेस होते हैं, ये मुस्लिम्स हैं, ठीक है. और ये जिनको बिठा के लेके जाते हैं इस यात्रा में, दे आर हिंदूज. एंड दैट इज वॉट द हिंदू इज हाईलाइटिंग ओवर हेयर. न्यूज़पेपर में यही चीज है कि यहाँ पे जो ये कोहेशन है, यहाँ पे जो ये टॉलरेंस है, यहाँ पे जो ये एक दूसरे का वो ब्रदरहुड है वापस, लाइक मुस्लिम्स आर हेल्पिंग हिंदूज इन कंप्लीटिंग देयर पिलग्रिमेज. दिस इज समथिंग वेयर वी कैन से कि हम इस चीज का एग्जाम्पल पॉजिटिवली दे सकते हैं अपने आंसर में, अबाउट द पॉजिटिव ऑफ कम्युनलिज्म ऑफ और अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. बट वहीं पे वी ऑल्सो सॉ कि जो यहाँ पे यात्रा हो रही थी, हमारे इधर कावड़ यात्रा हो रही थी, वहाँ पे देर वेयर कम्युनल टेंशंस, है ना. नूह में यात्रा होती है, वहाँ पे देर वेयर कम्युनल टेंशंस, है ना. दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन विच आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड देन यूज देम इन योर आंसर्स. यहाँ तक क्लियर हो गया. सम फैक्ट्स अबाउट अमरनाथ यात्रा. इट स्टार्ट फ्रॉम पहलगाम. हमने देखा पहलगाम इज अ तहसील इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दिस अमरनाथ श्राइन इज पर्च्ड एट अराउंड 3800 मीटर्स के ऊपर ये बनता है. यहाँ पे जो आइस का शिवलिंग बनता है, विच इज यूजली लाइक दी प्रेजेंट इन दी मंथ्स ऑफ जून टू जुलाई, इस महीने में ये रहता है. बेसिकली अगर आप देखो तो ये एक स्टेलेगमाइट है. वॉट इज स्टेलेगमाइट? स्टेलेगमाइट इज समथिंग विच ड्रॉप्स फ्रॉम द केव एंड द ड्रॉपिंग्स जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है और वो सॉलिडिफाई हो जाती है, एंड देन दिस शिवलिंग गेट्स फॉर्म, ठीक है, अपवर्ड्स. और ऐसा एक पिलर बनता है और इस शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं इस यात्रा में. यहाँ तक क्लियर हो गया. और ये शिवलिंग जो है समर के महीनों में यहाँ पे दिखता है, जुलाई से लेके अगस्त तक. बट इस साल चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वैली का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया और वहाँ का टेम्परेचर इट टच्ड अराउंड 36 डिग्री ऑल्सो समटाइम्स, एंड वहाँ पे हीट वेव भी डिक्लेयर हो गई थी बहुत बार, दैट वॉज द रीज़न कि ये शिवलिंग भी जल्दी जो है पिघल गया वापस, ठीक है. और हमने यहाँ पे तीन चीज़ें देखी. लिदर वैली देखी, लिदर ट्रिब्यूटरी देखी जहलिम की, और शिवलिंग से रिलेटेड जो बाकी फैक्ट्स थे वो भी देख लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन. रिजर्वेशन इज अ टॉपिक, एज ओल्ड टॉपिक, ऑलवेज ग्रीन टॉपिक, हमेशा न्यूज में रहता है. और इस बार ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारी सोसाइटी में है, लाइक दोज हु प्रोड्यूस्ड फेक सर्टिफिकेट्स. बहुत सारे आपने न्यूज देखे होंगे, रील्स देखे होंगे, यूट्यूब पे देखा होगा डिस्कशन कि आईएएस ऑफिसर की जो मदर है उन्होंने पिस्टल दिखा के लोगों को डराया, जो आईएएस ऑफिसर है उनने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स दिए, कुछ ने फेक ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट दिए, कुछ ने फेक कास्ट सर्टिफिकेट्स दिए, है ना. देर वेर मल्टीपल ऑफिसर्स ऑफ सच नेचर जो न्यूज़ में आए, ऑल्दो यूपीएससी हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट देम एंड दे हैव रेप्रिमेंडेड देम विद सीवियर पनिशमेंट्स. डू नॉट गो इन टू डिटेल, नो अबाउट देयर क्रिटिसिज्म, ठीक है. जो इनका नेगेटिव क्रिटिसिज्म है ना, वहाँ नहीं जाना है हमें, बिकॉज वो चीज़ फिर हमारे आंसर्स में आ जाएगी. अंडरस्टैंड वॉट यूपीएससी हैज डन. उनने एक कमेटी बिठाई है जो इस सब पूरी चीज़ को वापस एनालाइज करेगी, वो इस पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी, देन द रिपोर्ट विल बी प्रोड्यूस्ड. देर इज अ की एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल, जो इस एडिटोरियल में डिस्कस की जा रही है. वो बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट्स है, वो एग्जाम देने चले गए, वो एग्जाम देने चले गए, उनके पास यूनिफॉर्म है. अब उनने उस यूनिफॉर्म का यूज किया और उनने उसमें चिट्स रख दिए और नकल करके वो पास हो गए.
तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करें, यूनिफॉर्म बदल दें, पूरा सिस्टम बदल दें, क्या करें, या उन स्टूडेंट्स को आने ही ना दें? देयर इज प्रॉब्लम, ये चीज होती है, लॉ एंड ऑर्डर के मिसहैप्स होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, जहां पे भी आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील कर रहे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज सेड राइटली बाय कौटिल्य दैट करप्शन इज समथिंग लाइक हनी ऑन द टिप ऑफ द टंग। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज वेदर इट हैज बीन स्वेलोड और नॉट, एंड यू कैन नॉट अरेस्ट इट एट द राइट मोमेंट व्हेन इट्स बीइंग स्वेलोड। समझना है इस चीज को, ठीक है, कि लॉ एंड ऑर्डर का फ्लॉ है, बहुत जगहों पे होता है और हर जगह पे होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो लॉज है जो रेप को प्रिवेंट करते हैं वो लॉज सारे बेकार है, जो चोरी को प्रिवेंट करते हैं वो भी सारे बेकार है, फिर जो हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन है, पूरा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है वो भी बेकार है फिर? ऐसा नहीं है, हमारा सिस्टम ठीक है, हमें थोड़ा सा और उसको सुधारने की जरूरत है, दैट्स इट, बस थोड़ा सा और सुधारने की जरूरत है। जहां जहां पे ऐसी चीजें होती है वहां वहां पे हमें राइट स्टेप्स लेके राइटली उसको टैकल करना है। नाउ दिस इज व्हाट द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट, इट बेसिकली गोज इनटू डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि हम रिजर्वेशन पे ही डिस्कशन करेंगे आज, कि रिजर्वेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे बना, व्हाट इज ऑल अबाउट दीज टर्म्स ऑफ नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स, कौन होते हैं, बिकॉज पूजा खेड़कर एक्चुअली शी ऑब्टेन्ड दिस ओबीसी सर्टिफिकेट, इवन दो शी हैड एसेट्स वर्थ 20 crore rupees, शी ऑब्टेन्ड दिस ओबीसी सर्टिफिकेट विद अ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, एंड वो जो है उनने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि आई डू नॉट कम अंडर द क्रीमी लेयर, ठीक है, ऑल दो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी बहुत सारा वेल्थ है जो उनने डिक्लेयर किया था इन दी एफिडेविट्स। टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन, सिंपल, आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, एंड इट टॉक्स अबाउट दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी टू द पब्लिक प्लेसेस, बट व्हेन वी सी दीज टू आर्टिकल्स देयर आर एक्सेप्शंस इन दीज टू आर्टिकल्स व्हिच टॉक अबाउट कि इन आर्टिकल्स के साथ साथ इक्वालिटी के साथ साथ देयर शुड बी सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, एंड दिस वॉज द प्राइम रीजन, इसी की वजह से क्या हुआ, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया कि देयर शुड बी सम स्पेशल प्रोविजंस, देयर शुड बी अफर्मेटिव एक्शन। बाय स्टेट देयर शुड बी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड हिस्टोरिकल रॉन्ग्स which those lower class or lower caste have faced in the history of India. Now, in order to correct the historical wrongs, this concept of reservation was brought in place. This is an old age, basically, caste system of India, through which we all came to this conclusion that there has been this historical injustice. And now, how we can do is, hum quota-based reservation leke aate hain, ठीक है, कोटा बेस्ड रिजर्वेशन लेके आते हैं और उसी की वजह से हम क्या करेंगे, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम इन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को ठीक करेंगे। अभी ठीक कैसे करेंगे, इन सब लोगों को मौका देंगे कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो पब्लिक स्फेयर में, उनका डेवलपमेंट हो विद ग्रोथ, उनका एम्प्लॉयमेंट हो, उनको एक्सेसिबिलिटी मिले रिसोर्सेज की, and then only they can make their own welfare happen. Iska origin kahan se hua? Basically, it was William Hunter and Jyotirao Phule in 1882 who originally conceived this concept of caste-based reservation system. William Hunter and ज्योतिराव फूले इन 1882 दे बिगैन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। अब ये कॉन्सेप्चुअल आइडियाज थे तब, बट लेटर 1933 में हमने देखा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडर्नल्ड ही अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड्स इंडिया में, और कम्युनल अवार्ड्स किन के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए,
इससे पहले हमने देखा था दैट 1909 में और 1919 में कम्युनल अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए थे थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट, किनके लिए? मुस्लिम्स के लिए. बट इन 1933 इट वॉज फर्दर जो है इसको एक्सपैंड कर दिया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए. इसके बाद दिस सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन टू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1933 में टू हिंदूज, नॉट हिंदूज बेसिकली, मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, सम यूरोपियंस एंड सम दलित्स. बट लेटर वी विल सी दैट ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, इसको अपोज किया किसने? गांधी जी ने. और हमने देखा पूना पैक्ट हुआ इन विच गांधी प्लस अंबेडकर साइंड दिस थिंग दैट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट बट वी विल सेटल डाउन ऑन रिजर्वेशन. और उससे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया हमारा रिजर्वेशन का. लेटर 1991 में, आज़ादी के बाद बहुत साल हुए, और 1991 में हमने देखा दैट मंडल कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड देन स्टार्टेड द एरा ऑफ मंडल पॉलिटिक्स, जिसको बोलते थे मंडल कमंडल पॉलिटिक्स. ठीक है, एंड दिस एरा बिगैन एंड मंडल पॉलिटिक्स ने क्या बोला, मंडल कमीशन ने क्या बोला? इट सेड दैट अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 340. आई एम रियली सॉरी बिकॉज माई सिस्टम एंड ऑल ऑफ दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली टूडे, इसकी वजह से थोड़ा सा लैग्स आ रहे हैं, बट इट्स ओके, आई नो यू विल मैनेज. सो इन एक्सरसाइज ऑफ द आर्टिकल 340, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट अ बैकवर्ड क्लास कमीशन इन डिसम्बर 1978. ये कमीशन पहली बार बना और इस कमीशन के चेयरमैन थे बी पी मंडल, और उन्होंने बोला दैट वी विल आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, नॉट सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस बट एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. दे रिकमेंडेड दैट देर शुड बी अप्रॉक्सिमेटली 52% विच शुड बी गिवन टू देम बिकॉज दे आर हैविंग, द मंडल कमीशन रिकमेंडेड दैट देर इज अ शेयर ऑफ 52% ऑफ द पॉपुलेशन which belong to OBCs and they should be given around 27% of the government jobs and these government jobs should be reserved to them. Later we will see that Indira Sawhney judgment aayega 1992 ka aur wo is mandal politics ya mandal commission ki recommendation ko uphold karega. 27% reservation de diya jayega OBCs ko. 27% reservation mein this we can say that this Indira Sawhney case mein hi सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट देर शुड बी ए कैप ऑफ 50% रिजर्वेशन, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल रिजर्वेशन, एंड देर शुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर विच शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. अब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने भी लोग एक बार बेनिफिट ले लिए और वो एक पर्टिकुलर स्टेटस अचीव कर लिए विद दिस ओ बी सी सर्टिफिकेट, और वंस दे गॉट द बेनिफिट्स ऑफ दिस ओ बी सी सर्टिफिकेट एंड दे अचीव्ड सम ऑफ द बेनिफिट एंड दे क्रॉस द लाइन, ठीक है, उसके बाद वो जो लोग हैं उनको अब नॉन क्रीमी लेयर में रखो और उनको ये ओबीसी सर्टिफिकेट कंटिन्यू मत करने दो, अदरवाइज केसेस आएंगे कैसे, ये पूजा खेड़कर वाले केसेस आ जाएंगे. ठीक है, अदरवाइज ओनली दोज हु वंस गॉट बेनिफिटेड, अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दीज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दे विल ओनली बी बेनिफिटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन थ्रू देयर चिल्ड्रन एंड देयर अपकमिंग जनरेशन. इसीलिए हमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ा कि जो ये नॉन क्रीमी लेयर वाले होंगे इनको यहाँ से हटाओ. 2005 में रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया और बोला गया कि अब, और 2005 का जो अमेंडमेंट था उसने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में चेंजेस लाए कि नाउ रिजर्वेशन विल बी देयर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. एंड लेटर वी विल सी 2019 में जो जजमेंट आया, ये EWS का अमेंडमेंट आया 2019 में, 10% ऑफ द रिजर्वेशन वॉज, 10% ऑफ द रिजर्वेशन वॉज गिवन टू दोज हु बिलोंग टू EWS कैटेगरी. ठीक है, इससे भी आर्टिकल 15 और 16 दोनों में अमेंडमेंट हुआ, क्लॉज 6 ऐड किया गया दोनों आर्टिकल्स में. यहाँ तक हो गया हमारा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया कैसे, इंट्रोड्यूस किया था सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोहनी जजमेंट में 1992 में. क्यों किया था? बिकॉज देर वॉज अ कमेटी जिसका नाम है, क्या नाम है कमेटी का? जस्टिस रामनंदन प्रसाद कमेटी, जस्टिस रामनंदन प्रसाद कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी. ऑन इट्स रिकमेंडेशन 1993
वी सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें बोला गया था जिसकी भी पेरेंटल इनकम 8 लाख से ज्यादा की है फॉर 3 consecutive years और देयर पेरेंटल पोजिशन इज सच दैट उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में है, PSUs में है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो उनको अब दोबारा से OBC के बेनिफिट्स ना मिले। हाउएवर इस रिजर्वेशन के इशू में, इस रिजर्वेशन की पॉलिसी में कुछ इशूज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट के अनफिल्ड रिजर्व्ड सीट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में रह जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कुछ ही SC और ST ट्राइब्स का बहुत ज़्यादा हो गया है, और देर इज स्मॉलर परसेंटेज ऑफ OBC कास्ट विच आर एक्चुअली बींग रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक जॉब्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द करंट रिजर्वेशन स्टेटस, तो अभी जो है 50% का जो वो कैप लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने वो हट चुका है, 60% ऑलरेडी रिजर्वेशन है जिसको आप होल्ड भी कर चुका है ये अपना सुप्रीम कोर्ट। देर आर सम रिकमेंडेशंस जो ये एडिटोरियल हमें बोलता है कि हमें ये नॉन क्रीमी लेयर EWS और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, इनका जो मैकेनिज्म है जो ये सर्टिफिकेट्स इशू होती है, इस इशुएंस को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा। प्लस देर शुड बी अदर चेंजेस ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, इसमें हमने देखा था कास्ट रिजर्वेशन पे एंड कास्ट सेंसस पे एक एडिटोरियल आया था, तो वी डिस्कस्ड द कैटेगराइजेशन एंड सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया, दैट टू इज समथिंग विच वी कैन डिस्कस अबाउट इन दिस एडिटोरियल, ठीक है। लास्टली वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि UPSC has recently released tenders कि हमें न्यू एज टेक्नोलॉजी चाहिए, किस लिए, अपने एग्जाम को रिवाइव करने के लिए, हमें बायोमेट्रिक, GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, GPS, आधार लिंक्ड GPS, ये सारी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि जितने भी ये बच्चे आते हैं एग्जाम देने इसमें थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस लेके आए, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स which we should understand because India's merit system, जिस पे आज का question आपको आएगा about India's merit system, और we will also see like let me see which question will be better, या तो इस पे question आएगा या किसी और editorial पे आएगा, but merit system में हमें ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है और इनको याद रखना है, क्योंकि merit system पे question आने के chances बहुत ज़्यादा है। Now there is this editorial about South Africa's new law on climate change. तो ये law basically बोल क्या रहा है, इस law का mandate क्या है और ये क्यों introduce किया गया है। यहाँ पर कुछ कुछ points हैं जो मैंने highlight किए हुए हैं जो आपको समझने हैं कि coal is basically used in South Africa like there in India. काफ़ी ज़्यादा use होता है coal का, and if you see तो world's top 15 GHG emissions में एक आता है साउथ अफ्रीका भी। अब क्लाइमेट चेंज के चलते सब नेशंस जो है अपने NDCs डिक्लेयर कर चुके थे, एंड इवन साउथ अफ्रीका आल्सो डिक्लेयर्ड इट्स NDCs इन 2016, बट इसके बाद उन्होंने रिवाइज भी किए 2021 में। हाउएवर साउथ अफ्रीका का जो ये नया लॉ है ये बोल रहा है दैट 2050 तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी है साउथ अफ्रीका की, 2050 तक हम जीरो एमिशन पे आ जाएंगे। तो इनका जो नेट जीरो का टारगेट है साउथ अफ्रीका का वो है 2050 का, जबकि इंडिया का नेट जीरो का टारगेट है 2070 का। एंड साउथ अफ्रीका के पास एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी है जिसका नाम ये लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, एक ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जिसमें एमिशन कम हो। बस यही ये चीज़ें जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, और इंडिया से रिलेटेड इफ़ यू टॉक अबाउट तो एक हमारे पास एक प्रियंका चतुर्वेदी करके राज्यसभा की एक मेंबर है, MP है, शी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड दिस बिल नोन एज क्लाइमेट चेंज बिल, इन विच शी प्रपोज्ड कि हमारे पास एक काउंसिल होना चाहिए नेशनल लेवल पे, जो काउंसिल बाकी सारे एक्ट जितने भी हमारे एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स है, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2006 का हो, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट हो, ठीक है, जितने भी ये एक्ट्स हैं हमारे पास, ये सारे एक्ट्स को एक तो वो रेगुलेट करे, वो इनको स्टडी करे, और उसके बाद ब्रॉडर हॉराइजन को लेके
पूरा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको टैकल करें। दिस वॉज अबाउट द साउथ अफ्रीका बिल। यू कैन सी यहाँ पे आपको समरी करके दिया हुआ है मैंने पूरे एडिटोरियल को, यहाँ पे कितने पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है एंड सम ऑफ द फैक्चुअल पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। दीज आर लाइक साउथ अफ्रीकाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स, साउथ अफ्रीका कितनी चीज़ें कमिट कर चुका है क्लाइमेट को लेके। वाइल एज इफ वी कंपेयर दिस थिंग विद इंडिया तो इट शोज अस अ डिफरेंट पोजिशन। लाइक साउथ अफ्रीका के INDCs 2021 में जो है रिवाइव हो गए, उन्होंने रिवाइज करके वापस निकाले। दे कमिट टू 31% रिडक्शन इन एमिशंस बाय 2030, 25 से लेके 30 तक उनको 31% रिडक्शन करना है। नेट जीरो का एम है 2050 का। हाउएवर दे रिक्वायर $8 बिलियन ऑफ फंडिंग बाय 2030 फॉर सच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसी, जो उन्होंने पॉलिसी लेके आए हैं अभी लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियाज स्टेप्स, तो इंडिया ऑलरेडी हमारे पास एक कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है जो नेशनल लेवल पे इसको टैकल कर पाता। तो जो प्राइवेट मेंबर्स बिल हमने अभी देखा था राज्यसभा की, प्रियंका चतुर्वेदी, दैट हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड अहेड। इंडिया का क्लाइमेट चेंज एक्शंस एंड कमिटमेंट्स, दे टॉक अबाउट रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी टू 33% बाय 2019, विच वी हैव अचीव्ड राइटली। ठीक है, वी आर फर्दर कमिटेड टू अचीव अ 45% एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन बाई 2030 एंड वी विल बी अचीविंग दैट ऑल्सो। वी ऑल्सो एम फॉर 50% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाई 2030। ठीक है, सम लीगल परस्पेक्टिव रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, ठीक है, दे आर बेसिकली अपहोल्डिंग द राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसको बोला जा रहा है क्लाइमेट राइट और राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये फंडामेंटल राइट का पार्ट डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात यह है कि इस बार UPSC ने पूछ लिया दैट राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है, वैसे ही UPSC आगे पूछ सकता है राइट टू क्लाइमेट और राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और जो आपको याद रखनी है। ठीक है, रेस्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द टेक एस्पेक्ट ऑफ कॉलर ID स्पूफिंग। सिंपल बात ये है कि आपके पास कोई नंबर है, फ़ोन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 9999 1 2 3 4 5, ये आपका नंबर है। आप नहीं चाहते हो कि आपका नंबर किसी को पता चले तो आप स्पूफिंग का यूज़ करते हो। उससे होता क्या है कि जिस इंसान को आप कॉल करते हो उसको आपके नंबर से कॉल नहीं जाता है, एक दूसरा नंबर होता है जहाँ से उसको कॉल चला जाता है। फ़ोन आपका होता है, सिम कार्ड आपका होता है, बट जो उसको नंबर शो होता है वो नंबर दूसरा होता है। जस्ट टू अवॉइड सम थिंग्स लाइक कि आप नहीं चाहते कि वो आपको कॉल बैक करे, जैसे कुछ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स या मार्केटिंग एजेंसीज ऐसी होती है जो बस कॉलिंग पे होती है, आप उस नंबर पे वापस कॉल करोगे तो वो नंबर नहीं लगेगा, है ना। तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पूफिंग। व्हाई इज इट बीइंग डन, इट्स लीगली डन। ठीक है, नॉर्मल है, ये लीगल है ये चीज़ फॉर मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी, फॉर किसी को नहीं शो करना है, प्राइवेट रखना है अपना नंबर, किसी को नहीं बताना है कि मैं किस नंबर से कॉल कर रहा हूँ, या कभी कभी ऐसा भी होता है इन ऑर्डर टू डाइवर्ट और इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट द कॉल ब्लॉकिंग सर्विसेज। ठीक है, इवन आर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज डू दिस कि अगर किसी नंबर पे कॉल ब्लॉकिंग सर्विसेज लगी हुई है उस नंबर पे कॉल करने के लिए दिस इज यूज्ड। ठीक है, स्पूफिंग। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो आपको समझने हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है स्पूफिंग का, बट अभी ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज ये एक एडिटोरियल लिखा है एक ऑथर ने, करण सैनी उनका नाम है, एंड ही हाईलाइट्स कि हाउ कम दिस थिंग इज बिकमिंग अ टूल फॉर दोज हु आर साइबर बुलिंग और हु आर फ्रॉडस्टर्स, जो आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। ठीक है, कि आपको एक कॉल आ जाएगा ऐसे एक नंबर से, +34296678 कुछ ऐसा ही नंबर होगा जो बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज्ड नंबर होगा, एंड यू रिसीव दैट कॉल, देयर विल बी
ऑटो रिकॉर्डेड वॉइस जो आपको बताएगी कि आपके नंबर पे प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से आपके नंबर में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको थोड़ा बहुत साइबर बुली किया जाएगा एंड देन आपसे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लिया जाएगा जिससे आपका पैसा लूट लिया जाएगा, जिससे आपका प्राइवेट डेटा लूट लिया जाएगा, जिससे आपका आपके फ़ोन का या आपके ये जो डिवाइसेस होती है लैपटॉप उसका कंट्रोल ले लिया जाएगा एंड देन यू विल सी दैट यू विल बी अ विक्टिम ऑफ दिस कॉलर आईडी स्पूफिंग। बट यहाँ तक तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे है कुछ तीन चीज़ें जो हमें समझनी है और जो हमें याद रखनी है। पहला है ITU का टेक्निकल रिपोर्ट 2021 का। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पब्लिश करता है एक रिपोर्ट जिसका नाम है टेक्निकल रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द कॉलर आईडी स्पूफिंग। ठीक है, इट सेज दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस थिंग वी शुड वर्क ऑन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलरेडी UPSC पूछ चुका है व्हाट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दिस पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर वंस डेवलप्ड देन ओनली वी कैन इंप्लीमेंट दिस बाय द इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू फिक्स कॉलर आईडी स्पूफिंग। नेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्राई जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इट रेकमेंड्स द इंटीग्रेटिंग अ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन दैट इज CNAP सिस्टम। इस CNAP सिस्टम को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसके साथ, ट्राई के साथ। वंस दीज टू गेट इंटीग्रेटेड देन देयर विल बी इजी वेरिफिकेशन ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स एंड वंस दैट हैपन्स और उसके बाद ये इजी होगा कि हम कॉलर आईडी स्पूफिंग को टैकल कर पाए। दो स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक ब्लॉकिंग सिस्टम आता है जिसका नाम है आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक। और उससे क्या होता है, जितने भी इंटरनेशनल कॉल्स हैं जो मैनिपुलेटेड कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी से आती है, कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी ये भी आपको याद रखना है कि होती क्या है। कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी जो मैनिपुलेट हो गई, फॉर एग्जांपल कोई कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कस्टमर ए कस्टमर बी, ए को बी के साथ बात करना है, अभी इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ जाएगा और फिर जाके बी के पास ये कनेक्ट होगा, किस किस नेटवर्क के थ्रू ये जाएगा, इफ़ इट इज यूजिंग सम रीराउटिंग टेक्नोलॉजी देन इट विल बी यू कॉल्ड, कि ये जो पूरा इसने ट्रैक ट्रैवल किया बी तक पहुंचने के लिए उसको बोलते हैं कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी। व्हाट DOT इज डूइंग, ये इन कॉलिंग लाइन आइडेंटिटीज को जो भी नंबर्स ऐसा करते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं इस कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी को, उनको आइडेंटिफाई करता है और ब्लॉक कर देता है। तो दीज आर थ्री की इनिशिएटिव जो आपको याद रखने ही रखने हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये जो कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी है, ऐसे क्वेश्चंस या CNAP कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सिस्टम, ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, बस इतना याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023 का जो इस सब मैटर को रेगुलेट करता है। Lastly, there is an this news article on Agarwood. What is Agarwood और ये कैसे export होता है? Agarwood अभी recently news में इसलिए था because त्रिपुरा ने एक policy लेके आया है, त्रिपुरा एक policy लेके आया है about the cultivation of agar. Agarwood है क्या? Agarwood एक tree है जो एक किस्म का sap produce करता है और ये sap fragrance में use होता है, परफ्यूम्स में यूज होता है। ठीक है, नाउ द इशू हेयर इज कि साइट्स, ठीक है, जो कि कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा दोनों के लिए, ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो ट्रेड को देखता है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को देखता है, चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो। इट हैज ईज्ड इट्स नॉर्म्स फॉर अगरवुड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब अगर अगरवुड का एक्सपोर्ट होगा तो वहां के जो फार्मर्स हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं वो बेनिफिट में होंगे, उनको पैसा मिलेगा, वो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। टॉकिंग अबाउट अगरवुड, ये कहाँ कहाँ पैदा होता है इंडिया में, तो असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर ये मिलता है। इसके बाद पहली बार, फर्स्ट टाइम इन 1995
इट वॉज बेस्ड इन COP 9 ऑफ 1994। इंडिया ने ये प्रपोजल दिया था कि साइट्स में इसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है, किसका, अगरवुड का ट्रेड जो है साइट्स में इंक्लूड किया जाए। यहाँ तक हो गया, हमें समझ में आ गया अगरवुड है क्या या अगरवुड का ट्रेड क्यों इम्पोर्टेंट है। बट अगरवुड जिसको बोला जाता है वुड ऑफ गॉड्स, दिस इज यूज फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल अरोमा। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ट्री है ये, क्या है, एवरग्रीन ट्री है, और ये बहुत तेजी से फैलता भी है और तेजी से ग्रो भी होता है। ये ट्री नेटिव है टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इट्स क्रिएटिंग अ पैराडाइम शिफ्ट टू एक्सप्लोर द बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्री एंड प्लस एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग में यहां पे देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्री है, तो यहां पे समझ में आ जाएगा, ये जो ट्री है इस ट्री का सैप निकालना होता है, ठीक है। अब ये सैप निकालने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती है, जैसे इस ट्री में कुछ नेल्स, ठीक है, जो कील होती है, कील वो ठोकी जाती है और उसकी वजह से इसका सैप बनना स्टार्ट होता है। इस ट्री में इंजेक्ट किया जाता है फंगस और वो फंगस इस ट्री को इन्फेक्ट करता है और वहां से सैप बनना स्टार्ट होता है। नेचुरल मेथड ये था कि इस ट्री का एक इंसेक्ट है जिसके साथ जो इंसेक्ट इसको इन्फेस्ट करता है एंड देन ये ट्री स्टार्ट करता है प्रोड्यूस करना, क्या, ये सैप प्रोड्यूस करना, ठीक है। बट रिसेंटली ये ट्री जो है इसको त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उनने एक इनिशिएटिव लिया था टू एनकरेज फार्मर्स टू स्टार्ट दी कल्टिवेशन और कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ दिस अगर प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि फार्मर्स ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर दिया, उनने नेल्स लगाना शुरू किया, उनने इंजेक्शंस यूज़ किए। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी हेल्प लेना पड़ा और यहाँ पे कुछ कंपनीज भी आ गई जिन्होंने इनकी हेल्प करी। अब कंपनीज ने फार्मर्स के साथ मिल के यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजीज की मदद से सैप प्रोड्यूस किया, अब यहाँ पे बेनिफिट्स जो है वो शेयर होने वाले थे किसके बीच में, फार्मर्स और कंपनीज के बीच में, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है, ये नगोया प्रोटोकॉल का पार्ट है, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल का पार्ट है। अब यहाँ पे तो समझ में आ गया हमें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से फार्मर्स की कितनी हेल्प होगी, और वही आर्टिकल में भी लिखा गया है कि साइट्स अगर इसको रिड्यूस करे तो उससे फार्मर्स की कितनी हेल्प होगी। टॉकिंग अबाउट दिस इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट का नाम है बोरर, ठीक है, ये इसको इन्फेस्ट करता है एंड इसका साइंटिफिक नाम है ज्यूजेरा कॉनफर्ता, ज्यूजेरा कॉनफर्ता, ये इंसेक्ट है जो इन्फेस्ट करता है इस ट्री को। रिमेंबर यूपीएससी बोलेगा कि इनके साथ इनका जो आपस में रिलेशन है वो म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है या वो कमेंसलिज्म का रिलेशन है, ठीक है, समझना है। ये एक पैरासाइट है जो इस पेड़ के अंदर जाता है, बट उसकी वजह से पेड़ को कोई बेनिफिट होता है नहीं, उसकी वजह से बेनिफिट फार्मर्स को हो रहा है, पेड़ को बेनिफिट नहीं होता, ठीक है, पेड़ को उल्टा इन्फेस्टेशन फेस करना पड़ता है और उस इन्फेस्टेशन की वजह से उसका वो सैप निकलता है और वो परफ्यूम्स में यूज होता है। दैट हेल्प्स अस इन द कल्टिवेशन ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ दिस ट्री, इट डज नॉट हेल्प द ट्री पर से, ठीक है, ये रिलेशनशिप को समझना है कि ये म्यूचुअलिज्म में आएगा या कमर्शियलिज्म में आएगा। ये पैरासाइटिज्म है, ये इंसेक्ट एक पैरासाइट है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने बोला आपको यहाँ पे तीन चार मेथड्स है जैसे इसको किया जा सकता है, और त्रिपुरा 2021 में ये अपनी एक पॉलिसी लेके आया था अबाउट अगर वुड पॉलिसी फॉर इंक्रीजिंग दी प्रोडक्शन एंड कैपेबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर अगरवुड। अगरवुड एवरग्रीन ट्री है और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। लास्टली देर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम UPSC प्रीलिम्स 2023 का, ये क्वेश्चन है 2023 के GS2 में, ये पेपर GS2 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, दैट यू नीड टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट
द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी. पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ब्रिटेन और इंडिया में अलग अलग कैसे है, बस डिफरेंस क्या क्या है दोनों में. कंपेयर ब्रिटेन की अच्छी है या इंडिया की अच्छी है, और ब्रिटेन की अगर है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी अच्छी तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को अडॉप्ट क्यों नहीं किया, व्हाई डिडंट वी अडॉप्ट टू पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी. और अगर पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट अच्छा है ही, तो क्या इंडिया में सच में ऐसे प्रोविजंस है जिससे पार्लियामेंट सॉवरेन हो सकता है, या क्या पार्लियामेंट के पास ऐसे पावर्स है कि वो अपने आप को सॉवरेन बना सकता है कभी. तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पता होनी चाहिए. ठीक है, वी बिलीव इन द लिमिटेड गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. डॉक्टर बी आर अंबेडकर rightly said in Constituent Assembly debates that we in Constituent Assembly have preferred responsibility and accountability over stability of the government. That will be the first reason for us to adopt a parliamentary form of the government. And next, why not parliamentary sovereignty? Because India preferred rule of law than the rule of men. Why? Because we already had suffered from the brunts of rule of men since the colonial times. Colonialism ko khatam karne ke baad, we preferred ki nahi, hum rule of law leke aayenge kyunki aadmiyon pe bharosa nahi hai, wo bhi angrezi nikal jayenge. Ye answer is question ka, you can go through it and understand ki how we can segregate and break down this answer. Ki according to the principles of parliamentary sovereignty which are practiced in Britain, parliament is supreme law making authority. There is no such institution which can set aside the laws which parliament has made in Britain. But in India, we have judiciary and we have constitution, which both can set aside the law which legislature frames. Legislature kuch bhi kare, judiciary aake usko null and void declare kar sakti hai. Legislature bas utna hi kar sakta hai jahan pe wo constitution ka basic structure violate na kar raha ho. Jab usne violate kiya, to wo null and void ho jayega with the passage of time. जुडिशियल इंटरवेंशन जब भी होगा तो वो हो जाएगा. लास्टली वी नीड टू ऑल्सो डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी इन इंडिया, द सॉवरेंटी ऑफ पीपल इन इंडिया. आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 के साथ साथ आप आर्टिकल 32 डिस्कस कर सकते हो, आप आर्टिकल 163 डिस्कस कर सकते हो, आर्टिकल 124 डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पे वो सारी चीजें, यू कैन राइट डाउन दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड देन सेंड इट टू अस and I'll get it evaluated and then we will have a broad discussion on your answer. ठीक है, कि आप इस आंसर में और क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो. There are already mentorship sessions which are going on, और आप भी अपना mentorship session schedule करा सकते हो हमारे साथ, and we can have a chat about your strategy and then we will help you in framing your strategy better so that you get chance to clear this exam in a less time. अदरवाइज पंचवर्षीय योजना तो सबकी ही है. ठीक है, तो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग इन हियर. जय हिंद.